नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एग्जाम में आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट अफेयर्स जो आई एस 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 और आई बी पी एस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और मेन फोकस किया जाता है आई के एग्जाम्स के ऊपर ताकि उसके करंट अफेयर्स एस एस सी और आईबीपीएस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते आज की तारीख है आठ मई दो हजार अठारह मंगलवार महुकर्दम रावल और तेरह मई दो हज़ार अठारह को हमारा वीडियो कोर्स रोज होने जा रहा है जिसके अंदर आपको हिस्ट्री एड एंड कल्चर जोग्रफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आठ सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स कंटेनिंग थ्री प्लस आस प्लस मटीरियल प्लस रोड मैप दिया जाएगा तो ये सारी चीजें आपको अर्ली बट डिस्काउंट में साथ मिल सकती है उसके लिए आपको अपना नाम मोबाइल नंबर और जो लोकेशन है वो आपको भेजनी है इम्फो एट द रेट यूपीएससी डॉट कॉम के ऊपर इसके अलावा ये सारी चीजें आपको मिलेगी फोर थाउजेंड नाइन फोर थाउजें नाइन हंड्रेड एंड नाइन नाइन रुपीज में और फ्री मंथली करंट अफेयर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट यूपीएससीजाम डॉट कॉम यहाँ पे एस लगेगा तो वहां पर भी आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो जो पहला करंट अफेयर निकल के आता है वो है पोषण अभियान के ऊपर तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर 200 मिलियन डॉलर्स की लोन एग्रीमेंट की है वर्ल्ड बैंक के साथ जिसके अंदर पोषण अभियान अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलाया जाएगा जिसके अंदर फेज वाइज ये चलेगा जिसके अंदर 315 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखा गया है ये जो अभियान है इंडियन गवर्नमेंट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी इसको कहा जाता है उसके अंदर छह जीरो से लेकर यानी कि पहले दिन का बच्चा हो वहाँ से लेकर छह साल तक के बच्चों को जो उनके अंदर पोषण की कमी है उनके हाइट और

ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन वो लॉन्च की थी राजस्थान के अंदर मार्च 2018 दो हजार अट्ठारह के जगह झुंझुना झुंझुना नाम की जगह से तो यहाँ पे इंश्योर किया गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट और एडिकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमन मदर और चिल्ड्रन को जो इंडिया की पहले से चली आ रही जो स्कीम थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस तो वहां पे आई एस एन आई पी की एस्टेब्लिशमेंट और उस स्कीम को कॉलोबरेट कर दिया गया है जिसका नाम हो गया है इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि आई एस एस एन आई पी वो हर पूरे कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लागू किया जाएगा और जो आई सी डी एस है यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है वो प्रेगनेंट वुमन लेक्टिंग वुमन और जो चिल्ड्रेन है बिलो द एज और अंडर द एज ऑफ थ्री ईयर्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो ये रखा गया है कि इस मिशन के तहत जो स्टंटिंग है उसको रिड्यूस करना है जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है एनेमिया यानी कि ब्लड की कमी लोगों के अंदर लड़ बच्चों के अंदर पाई जाती है उस चीज़ को कम करना है वुमेन को न्यूट्रिशंस देने हैं और जो एड्सोलेंट्स गर्ल्स है यानी कि जो किशोर अवस्था के अंदर जो लड़कियां हैं हमारे देश के अंदर उसकी जो लो बर्थ बर्थ के समय वेट कम हो या फिर बच्चों की जो वेट कम हो हाइट के हिसाब से बॉडी पार्ट इंडेक्स यानी कि बीएमआई कम ना हो तो उसको हर साल टू परसेंट रखना है और जो थर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट हमारा अभी करंट नंबर है उस डेटा को ट्वेंटी तक लाना है ट्वेंटी तक और टू तो हमें हर साल कम करना है तो इस तरह का हमने टारगेट रखा है तो ये जो स्कीम है उससे दस करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मदद मिले

ऑन इम्पीचमेंट तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इम्पीचमेंट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बात हुई थी दीपक मिश्रा के विरोध के अंदर तो वहाँ पे अपर हाउस के जो चेयरपर्सन है चेयरमैन वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जो अभी ट्रिप पे गए हैं तीन साउथ अमेरिकन कंट्रीज के तो वहाँ पे उन लोगों ने सीजेआई मिश्रा को रिमूव करने के लिए जो मोशन लाया था उनको हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिजेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे फाइव जजिस कंस्टिट्यूशन बेंच बैठेगी वहाँ पे एक एक सीकरी इस टीम को लीड करेंगे पांच लोगों की और जो भी राज्यसभा के मेंबर्स थे उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट ने वो जो रिमूव कर दिया था उन लोगों का मोशन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरोध में तो यहाँ पे अब्यूज ऑफ पावर और फॉर्जरी एंड आई वॉश का केस दिखाई पड़ता है और जो बेंच हो गए उसमें जस्टिस हो गए ए ए बॉब एन वी रामणा और अरुण मिश्रा और आदर्श कुमार गोहल तो ये पांच लोग मिलके के एक सीकर की हेड के अंदर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को चेकआउट करेंगे सी जी की और जो वेंकैया नायडू जी ने इस चीज को कर दिया है रिजेक्ट तो वहाँ पे अब्यूज ऑफ अथॉरिटी अ मास्टर ऑफ रोस्टर को ध्यान में रखते हुए किसी भी चार सीनियर मोस्ट जज को नहीं रखा है और इस तरह की कंस्टिट्यूशन बेंच बैठी है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं एम क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे दीपक मिश्रा है उनको कंपल्सरीली रिमूव करना जरूरी है और वो हो सकते हैं वो सारे स्टेप्स लेने के लिए तैयार है जैसा कि उन लोगों ने बोला था कि हम कोर्ट में जाएंगे वो जा चुके हैं और पांच लोगों की कमेटी भी बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड कर रहे हैं फिर से रिपीट कर देते हैं ए के है सीकरी जी और उसके अलावा चार अलग जस्टिस भी है सुप्रीम कोर्ट की जज पैनल से तो यहाँ पे ये बात हो गई फिर जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर मॉडर्न टीसा सार्स फॉर फोर्थ टर्म तो यहाँ पे व्लादिमिर पुतिन है उनको प्रेसिडेंट ऑफ रशिया चौथी बार उन्होंने ये पोस्ट संभाली है ग्रांड क्रिमलिन पैलेस मॉस्को से तो इसके पहले भी जो प्रेसिडेंट्स थे जैसे कि सार डर टू थ्री, निकोलस टू तो ये सारे प्रीवियस प्रेसिडेंशियल इनोग्रेशन जो होते थे वो यहीं से यहीं से होती थी क्रिमलिन से तो व्लामिर पुतिन जो है वो फोर्थ टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके थे मार्च 2018 में उन्होंने 76 परसेंट वोट्स को अपने नाम पे किया और ये माना जा रहा है कि ये लार्जेस्ट मार्जिन रहा है पोस्ट सोवियत के बाद जो सोवियत यूनियन का जब से रिजोल्यूशन हुआ है तब से देखिए अब तक अगर कहीं किसी भी इंडिविजुअल ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतने सारे वोट्स एक्वायर नहीं किए और जो उनके अपोजिशन में खड़े थे वो बिलोंग करते थे कम्युनिस्ट पार्टी को और उनको मिले थे सेवन इलेवन पॉइंट एट परसेंटेज वोट्स और उनका नाम था पवल ग्रुदिन तो उनको यहाँ पे करारी मात दी है प्रेसिडेंट जो रशिया के है व्लादिमिर पुतिन उन्होंने और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है है उन, उन्होंने पुतिन को अभी बार किया है कि अब आने वाला जो इलेक्शन रहेगा 2024 का इलेक्शन उसके अंदर आप इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे और यहाँ पे व्लादिमिर पुतिन को एक स्पेशल राइट right भी मिलता है राइट टू अपॉइंट हिज प्रिफर्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि वो अपनी मर्जी से वहाँ रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ 2024 में जो इलेक्शन आएंगे वहाँ पे छः साल की प्रेसिडेंशियल टर्म होती है रशिया के अंदर तो चौथी बार बने और आने वाली जो छः साल के बाद की जो इलेक्शन होगी प्रेसिडेंट की 2024 में वो वहाँ पे वो इलेक्शन के अंदर खुद अपना कैंडिडेटर नहीं एस्टाब्लिश कर पाएंगे और यह उनकी लास्ट टर्म होगी ऐसा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार ने कहा है तो फिर जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है वेस्टर्न गार्ड्स तमिलनाडु और मॉनसून को लेते हुए और ये डिफॉरेस्टेशन बेईज करंट अफेयर uh, निकल के आता है वेस्टर्न गार्ड्स फॉरेस्ट वाइटल फॉर तमिलनाडुज मॉनसून रेनफॉल तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने कहा है कि जो वेस्टर्न गार्ड्स में डिफोरेस्टेशन होते हैं उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो डेंस वेजिटेशन है वेस्टर्न गार्ड के एरियाज में जो रेनफॉल्स है उसके अंदर तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समर मानसून के दौरान यहाँ पर एक टीम थी जिसको लेड कर रहे थे प्रोफेसर सुबिमल घोष जो बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट है वो 40 परसेंट मॉइस्चर जो होता है वो जनरेट करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल के लिए तमिलनाडु के लिए ड्यूरिंग द मॉनसून ईयर्स तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 से 30 परसेंट होता है जब डेफिसिट होती है लेकिन जब नॉर्मल टाइम पीरियड होता है तो ये 50 परसेंट या उससे भी हाई कंट्रीब्यूशंस uh, देते हैं तो जो वेस्टर्न घाट्स है एक्ट एज अ कैपेसिटर तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट से वहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन हो रही है उसको रोकने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो फॉरेस्ट लैंड और वेजिटेशन एरिया है वहाँ से ही तो रिचार्ज वगैरह की एक्टिविटी होती है और जो वेट वेट्सपेल्स गिरते हैं जिससे कि हवामान के अंदर मॉइस्चर पाया जाता है और वही चीज़ होती है जो रेनफॉल को ब्रिंग आउट करती है स्टेट के अंदर और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये डिफॉरेस्टेशन के कारण पर डे जो रेनफॉल है उसके अंदर एक से टू 5 mm तक की घटोत देखने को मिलती है तो ये जो डिक्रीमेंट है वो पर डे का है यानी कि आप पूरे सीजन का आप कैलकुलेट करोगे तो ये काफी भारी मात्रा के अंदर लैंड जो डीफॉरेस्ट हो रहा है वेस्टर्न घाट्स के अंदर वो काफी डैमेज कर सकता है हमारे एनवायरनमेंट को और मॉनसून इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है जो एवरेज ट्रेंड 25% पर मॉनसून की जो रेनफॉल रहती है तमिलनाडु के अंदर और वो सारी अफेक्टेड रहती है प्योरली कनेक्टेड है कोलेटरली वेस्टर्न घास के फॉरेस्ट है तो जो केरला के अंदर भी इसकी छोटी मात्रा में इफ़ेक्ट देखने को मिलती है कि वेस्टर्न घास के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे कि केरला के अंदर भी छोटी बहुत मात्रा के अंदर इफेक्ट देखने को मिलती है तो देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट किस तरह से है जो सहयादरी माउंटेन्स है यहाँ के जिसको बैनवोलन माउंटेन्स भी कहा जाता है जो पैरेलली रन करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के साथ इंडियन पेनिनसुला तक एंटायरली इंडिया को ये कवर अप करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पे यूनिस्को ने उनको तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान दिया है इट्स वन ऑफ द एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इसको माना जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के अंदर और इसको द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तो रेंज रंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ये वेस्टर्न जो एज है और जो डेकन प्लेटूज है और जो प्लेटूज को सेपरेट करने वाला जो कोस्टल प्लेन है ये सारी चीजों को कवर करता है कोंकण और अरेबियन सी को यहा थर्टी नाइन प्रॉपर्टीज ऐसी है जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको यूनिस्को ने अप्रिशिएट किया है उसके पीछे का यहाँ पे कुछ और भी रीजन है जैसे कि यहाँ पे नेशनल पार्क पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो बी बीस बिलोंग करती है केरला को दस बिलोंग करती है कर्नाटका को 5 बिलोंग करती है तमिलनाडु को और चार आती है महाराष्ट्र के अंदर तो ये काफी डाइवर्सिफाइड वेस्टर्न घास जो है काफी डाइवर्सिफाइड है और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें पाई जाती है द प्राइम थिंग अबाउट दिस टॉपिक रिगार्ड्स टू करंट एफोरेस्ट डिफोरेस्टेशन प्रोसेस जो हो रही है वेस्टर्न घाट्स और आसपास के जंगल के एरियाज में उससे मॉनसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और जो पर डे उसके अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है वो है एक मिलीमीटर mm से लेके टू पॉइंट फाइव मिलीमीटर और मॉइस्चर वहाँ पे हवा में कम होता नज़र आ रहा है जिससे कि वेट स्पेल्स भी कम हो रहे हैं और दूसरी चीज़ जो मानसून है उसका जो रेनफॉल है वो भी डिक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर देखा जा रहा है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताए इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने नियर एंड डियर वन के सारों उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको तुरंत प्राप्त हो सके थैंक यू दोस्तों जय हिंद भारत माता की जय